हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह ऐसा एनिमेशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दिखाता हूं ये एनिमेशन काम कैसे करेगा। ये देख सकते हैं, ये स्टार दोनों साइड में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही साइड में मूव कर रहा है और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि आप कोई बटन यानी कि एस्केप बटन प्रेस नहीं करेंगे। ये ऐसे ही मूव होता रहेगा। पावर पॉइंट में बनाने का आपको ये तरीका मैं सिखाऊंगा आज। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं, इसको मैं क्विट करता हूं यहां से और इस तरह का एनिमेशन आप भी बना पाएंगे। तो सबसे पहले तो कंट्रोल के साथ एम बटन प्रेस कर देता हूं ताकि हमारे पास न्यू स्लाइड आ जाए। तो आपको अगर न्यू स्लाइड लेना है तो या तो कंट्रोल एम प्रेस कर दीजिए और नहीं तो आप वहां से जाकर के भी स्लाइड ले सकते हैं। यहां पर आपको होम टैब पे जाएंगे तो यहां न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिखाई पड़ता है, यहां से भी आप स्लाइड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्लैंक स्लाइड ही ले लेते हैं। अगर आप ब्लैंक नहीं भी लेते हैं तो भी कैसे काम कर सकते हैं वो भी दिखा देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाली स्लाइड आपने ले ली, ठीक है। अब ये सब आपको नहीं चाहिए, ये जो सराउंडिंग्स बने हुए हैं इनको हटाना है। तो आप कैसे हटाएंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे डिलीट बटन प्रेस करके। फिर जब इस तरह का एरो बनेगा तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इसको भी हटा देंगे तो ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस शेप की। तो शेप कहां से आएगा, तो यहां से शेप पे जाएंगे और ये स्टार शेप आपको नजर आ जाएगा। अब इसको यहां पे ड्रैग करवा लीजिए कुछ इस तरीके से। अब ये ड्रैग हो गया लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका शेप जो है इस वाले स्टार के जैसे नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पीला वाला बटन दिख रहा है आपको, छोटा सा शाइन दिख रहा है, इस पे रख करके और माउस का लेफ्ट बटन दबा लीजिए और इसको ड्रैग करते हुए आगे की तरफ आइए और आगे आइए और आगे आइए। अब ये शेप जो है कुछ उसी तरीके से हो गया है। अब आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहां पर जाकर के और यहाँ सेव फिल दिया हुआ है तो जो कलर आप लगाएंगे वही कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप ग्रेडियंट लगाना चाहें तो ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप ग्रेडियंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यही कलर रहने देता हूं, ठीक है, देख सकते हैं, ओके। और अब हमको इस पे एनिमेशन यूज करना है। तो ये एनिमेशन हम कैसे यूज करेंगे, एनिमेशन वाले टैब पे जाएंगे, कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे, यहाँ आपको बहुत सारे एनिमेशन मिल जाते हैं। एड इफेक्ट में जाइए, एंट्रेंस में जाइए, एंट्रेंस में तो आपको ये नहीं मिलेगा, एम्फेसिस में जाइए, यहीं पे मिलेगा स्पिन। तो बस ये स्पिन होता चला जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वन टाइम घूम करके और फिर रुक जाता है। इसके लिए आपको ये ऑन क्लिक हटा देना है, विद प्रीवियस कर देना है। स्पीड आप देख लीजिए कितना, वेरी फास्ट रखना चाहते हैं, वेरी स्लो रखना चाहते हैं, कैसा रखना चाहते हैं। तो मैं इसकी स्पीड स्लो रखना चाहता हूं, कुछ इस तरीके से ये घूमेगा और यहां पर राइट क्लिक करके इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है और फिर यहां से आना है टाइमिंग पर। टाइमिंग पर आने के बाद देख सकते हैं यहां पे रिपीट लिखा हुआ है नन। हम चाहते हैं कितने टाइम ये रिपीट हो, 10 टाइम नहीं, हम चाहते हैं कि जब तक हम कोई बटन ना दबाए तब तक ये रिपीट होता रहे। तो बस इसको लगा दिया, अब ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब एक बार इसको हमें क्या करना है, F5 प्रेस करके देख लेना है। तो ये पहला वाला आपका एनिमेशन था, इस ये तो चलेगा ही जो मैंने आपको दिखाया था। यहां से बाहर आता हूं, दूसरा वाला एनिमेशन हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा वाला एनिमेशन है और ये कुछ इस तरीके से स्टार घूम रहा है, ठीक है। और ये तब तक घूमता रहेगा जब तक कि आप एस्केप बटन प्रेस नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कब तक ये मूव करेगा, तो एस्केप बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये मूव करना बंद हो जाएगा। अब ये ऐसे ही मूव करता रहेगा लेकिन एस्केप बटन देखिए मैं प्रेस कर रहा हूं तो ये बंद हो जाएगा, सीधा सीधा ये एनिमेशन बंद हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।